श्लोक 54 से 59। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि स्थिर बुद्धि के लक्षण क्या है। जब साधक मन की सारी इच्छाएं त्याग देते हैं और अपने में ही संतुष्ट रहते हैं, तब वो स्थिर बुद्धि वाले कहलाते हैं। जो सुख और दुख में एक समान रहे, जो राग भय और क्रोध से रहित हो, वो स्थिर बुद्धि कहलाते हैं। जो शुभ या अशुभ होने पर ना तो खुश होता है और ना ही दुखी होता है, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। जैसे कछुआ अपने शरीर को समेट कर बैठता है, ऐसे ही मनुष्य अपनी सभी इंद्रियां और मन को अपने अपने विषयों से समेट लेता है, अर्थात हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तो सभी इंद्रियों को अनुशासित करके मुझ में रम जा, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसी की बुद्धि स्थिर है।